आज के वीडियो में हम नींबू यानी लेमन के बारे में जानेंगे। अब देखिए, नींबू हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है और कुछ लोगों को ऐसे भी लगता है कि नींबू खाने से उन्हें तकलीफ होती है। तो आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके बारे में हमें क्या वर्णन मिलता है, इसके कौन कौन से फायदे हमें मिल सकते हैं और ये कौन कौन सी बीमारियों में फ़ायदेमंद है, इसकी सही सेवन विधि क्या है ताकि आपको इसके पूरे फायदे तो मिले लेकिन कोई नुकसान ना हो, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। नींबू के जो संस्कृत नाम है, इसमें इसे नींबू, नींबू कम, नींबू कहा जाता है। इसमें कहा गया है निम्बति सिंचति अम्ल रसम, यानी इस फल से खट्टा रस यानी अम्ल रस बहुत ज्यादा है इसमें, इसीलिए इसका ये नाम दिया हुआ है। भाव प्रकाश निघंटू में जो नींबू के गुणधर्म है, इसके जो फायदे है, इसका बहुत अच्छे से वर्णन दिया हुआ है। तो इसमें कहा गया है नींबू कम अम्लम वातग्नम दीपनम पाचनम लघु। आयुर्वेद के ग्रंथों में जो नींबू के गुणधर्म यानी इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बताई हुई है, तो इसमें इसका रस यानी इसका जो स्वाद है ये अम्ल रस यानी खट्टा रस बताया हुआ है। इसका जो विपाक है वो मधुर है, यानी शरीर में जाने के बाद ये मीठा स्वाद उत्पन्न करता है। इसकी जो तासीर है ये अनुष्ण वीर्य का, यानी ये ना तो गर्म है ना तो ठंडा है। इसके जो गुण है, इसमें से लघु और तीक्ष्ण बताया है, यानी इसमें हल्कापन है, इसमें तीक्ष्णता है। अब देखिए, इसका जो खट्टा स्वाद है, इसी के कारण ये शरीर में वायु का अनुलोमन करता है। जो इसमें इसका विपाक मीठा है, इसके कारण ये शरीर में पित्त दोष को कम करता है। और जो इसमें हल्कापन है, तीक्ष्णता है, इसी के कारण ये कफ को भी कम करता है। तो इस तरह से वात पित्त कफ इन तीनों दोषों पर इसका असर है। इन तीनों दोषों के कारण शरीर में अगर दर्द है तो उसको भी ये कम करता है। डाइजेशन यानी पाचन क्रिया से संबंधित बहुत सारी तकलीफों में नींबू का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। अब देखिए, अगर आपको अरुचि है यानी खाने का स्वाद नहीं आता, खाना खाने का मन नहीं करता, तो आपके लिए नींबू बहुत फायदेमंद है। आप सब्जी में दाल पे डाल के इसे ले सकते हैं। आपने भी जनरली देखा होगा कि जब भी लोग भेल वगैरह पे नींबू डाल के लेते हैं तो उसका टेस्ट उनको अच्छा लगता है, उसका स्वाद आता है। तो इस तरह से अरुचि विकार में यानी अगर आपको खाने की इच्छा, खाने की रुचि अगर नष्ट हो गई है, तो इसके लिए नींबू का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। दूसरा है कि जिन लोगों को खाना अच्छे से नहीं पचता या फिर भूख ही उतनी नहीं लगती, तो नींबू को कहा गया है कि ये अग्नि दीपन करता है, यानी जो हमारा जठर अग्नि है, पचाने वाला अग्नि है, इसको बढ़ाने का ये काम करता है। खाना अच्छे से पचाने में भी ये मदद करता है, यहाँ तक कि जो वायु का अनुलोमन करता है, वायु को सही दिशा में जाने के लिए ये मदद करता है। तो अगर आपको अजीर्ण है, खाना ठीक से पचा नहीं है, पेट में दर्द है, फूलापन है, ब्लोटिंग है, बहुत ज्यादा डकार यानी बर्पिंग आ रही है, तो इन सभी समस्याओं को ये कम करेगा। इसके लिए आपने छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा लेना है, इसको कद्दूकस करके इस अदरक पे आपने सेंधा नमक डालना है और उसके ऊपर नींबू का रस डाल के खाना खाने के लगभग आधा या एक घंटा पहले आपने इसे थोड़ा थोड़ा सा चाट के लेना है। इसके ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी भी आप ले सकते हैं, तो इससे आपकी भूख भी बढ़ेगी और जो भी खाना आप खाओगे उसका भी अच्छे से पचन होगा। यहाँ तक कि पहले खाया हुआ कुछ खाना अगर अपचित है, ठीक से पचा नहीं है, तो उसको पचाने के लिए भी ये मदद करेगा। नींबू का जो अचार है वो भी आप आपके खाने में ज़रूर रखें, क्योंकि इससे भी आपके जो खाने का जो स्वाद है, उसकी टेस्ट है, वो बढ़ने के लिए और खाना ठीक से पचने में आपको बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। यहाँ तक कि पित्त दोष अगर बढ़ा हुआ है और पित्त के बढ़ने के कारण आपको बहुत जैसे उल्टी जैसे लगता है या फिर उल्टी हो जाती है, तो इसके लिए भी जो नींबू का शरबत है वो आप ले सकते हैं। तो नींबू के शरबत में आप मिश्री डाल सकते हैं, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के आप अगर इसे लेते हैं तो आपका ये पित्त भी कम हो जाएगा। साम पित्त में यानी अगर आपको पहले खाया हुआ ठीक से पचा नहीं है, अजीर्ण है और फिर आपको खट्टा पानी वगैरह आ रहा है, अम्ल पित्त जैसी तकलीफ है, तो इसमें भी नींबू का जो रस है इसमें सेंधा नमक डाल के आप ले सकते हैं या तो फिर नींबू का पानी भी आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि नींबू में जो खट्टा स्वाद है ये भी वायु का अनुलोमन करता है, तो जिन लोगों को पेट ठीक से साफ नहीं होता उनके लिए भी ये फायदेमंद है। स्पेशली अगर आपको हार्ड स्टूल आता है तो आपके खाना खाने के पहले एक चम्मच आपने गाय का घी लेना है, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा नींबू का रस मिला के आपने इसका सेवन करना है। ऊपर से आप 2-3 सिप गर्म पानी भी पी सकते हैं। ये जो हमने घी लिया तो घी में जो स्निग्धता है, इस स्निग्धता ने आंतों में जो रूखापन बना हुआ है या जो मल में रूखापन है उसको ये काम करती है और मल अच्छे से निकलने के लिए भी मदद करती है।
जिन लोगों को अतिसार यानी लूज मोशन है वो एक खास तरह से नींबू का सेवन कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जो नींबू का रस है वो पूरी तरह से निचोड़ के लेना है और फिर इसका जो छिलका है तो लगभग 3-4 नींबू का छिलका आपने सुखा के लेना है और फिर इसको आपने जला के इसकी राख बना के आपने लेनी है, यानी इसकी ऐश आपने बनानी है और इसको बहुत कम क्वांटिटी में यानी लगभग आपने 1/4 चम्मच यानी लगभग 1 ग्राम की मात्रा में इसको दही के साथ मिला के आपने सेवन करना है। अगर आप इस तरह से इसे दिन में 2 या 3 बार लेते हैं तो अगर आपको लूज मोशन से बहुत ज़्यादा पतले दस्त है तो इसको ये कम करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। यहाँ तक कि लूज मोशन के बाद जो डिहाइड्रेशन हो जाता है इसमें भी आप नींबू का बना हुआ शरबत भी सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों को बार बार प्यास लगती है, गला सूखता है, पानी पीने के बाद भी मन नहीं भरता, वो लोग भी मिश्री डाल के नींबू का शरबत जो है वो आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि कृमि में यानी इंटेस्टिनल वर्म्स अगर आपको है तो उसमें भी आप नींबू का सेवन कर सकते हैं। हृदय के लिए भी यानी हार्ट के लिए भी नींबू एक बहुत अच्छी औषधि है। आयुर्वेद में जो खट्टा स्वाद है ये हृदय के लिए यानी हार्ट के लिए अच्छा बताया हुआ है। जैसे कि अगर आप अनार लेते हैं या फिर आप आंवला का सेवन करते हैं तो ये जो खट्टा स्वाद इसमें है ये हार्ट के लिए बेनिफिशियल है। फिर चाहे वो आपको हृदय के जगह पे आपको भारीपन महसूस होता है या डाइजेशन के कारण आपके हृदय पे दबाव आके या आपको बहुत ज़्यादा डकारे है, गैस बहुत ज़्यादा बनता है और उसके कारण आपको हृदय से संबंधित कोई तकलीफ लगती है तो इन सभी अवस्थाओं में नींबू का सेवन फायदेमंद है। आयुर्वेद में नींबू को विषहर कहा गया है, यानी ये नेचुरल डिटॉक्स के लिए मदद करता है। ये वेट लॉस के लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो सुबह आपने गर्म पानी में नींबू का रस निचोड़ के इसका सेवन करना है। सुबह आपने इसे एम्प्टी स्टमक लेना है ताकि आपके शरीर में जो फैट जमा हुआ है, चर्बी है, उसको ये कम करे, आपके ओबेसिटी को ये कम कर सके। खून बढ़ाने के लिए भी नींबू एक बहुत अच्छी औषधि है। जैसे आप कोई आयन प्रिपरेशन लेते हैं खून बढ़ाने के लिए, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, तो हमेशा जो विटामिन सी है वो आयन के एब्सॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए मदद करता है, तो नींबू का सेवन आप उस अवस्था में भी कर सकते हैं। आयुर्वेद में जैसे कि धात्री लोह वगैरह जो औषधियाँ दी जाती है इसमें आंवला और उसमें फिर लोह भस्म डाला जाता है ताकि जो आयन आपने लिया है वो आपका शरीर और अच्छे से एब्सॉर्ब करे। इस तरह से खट्टे स्वाद का बहुत ज़्यादा महत्व आयुर्वेद में दिया है। रक्त पित्त विकार में यानी शरीर से अगर किसी भी मार्ग के द्वारा खून बाहर जा रहा है तो उसमें भी नींबू का सेवन फायदेमंद है। इवन आपको अगर दांतों से, मसूड़ों से अगर खून आता है तो उसको रोकने के लिए भी ये फायदेमंद है। यहाँ तक कि यूरिन का फ्लो अच्छे से होने के लिए, यूरिन ठीक से निकलने के लिए भी इसका सेवन फायदेमंद रहेगा। श्वास विकारों में भी नींबू का सेवन फायदेमंद है। जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा हिचकी आती है या फिर आपको बहुत सांस फूलती है, आपको खांसी है, तो भी आप इसे ले सकते हैं। अब सूखी खांसी और गीली खांसी में इसको लेने की जो विधि है वो अलग अलग होगी। अगर आपको सूखी खांसी है यानी ड्राई कफ है तो फिर आपने घी, नींबू का रस और सेंधा नमक ये कॉम्बिनेशन आपने लेना है। लेकिन अगर आपको गीली खांसी है, कफ बनता है, स्पूटम है, तो इसके लिए भी इसका सेवन फायदेमंद है। इस अवस्था में आपने थोड़ा सा नींबू का रस, इसमें शहद मिला के लेना है, इसमें आप थोड़ा सा जो सोंठ का पाउडर है या फिर जो पिपली का चूर्ण है, काली मिर्च का पाउडर है, इसे डाल के अगर लेते हैं तो आपकी ये जो कफ वाली खांसी है इसको कम होने में मदद मिलेगी। अब देखते हैं कि नींबू का सेवन आपने कितनी मात्रा में करना है। तो एक लगभग एक 5 ml, 10 ml या मैक्सिमम 15 से 20 ml भी आप इसे ले सकते हैं। आधा नींबू तक आपने खाना है, बहुत ज़्यादा इसका सेवन आपने नहीं करना है। हाँ, जिन लोगों को नींबू खाने से बहुत उनका पित्त बढ़ जाता है या इनको नींबू सूट नहीं करता या खट्टा टेस्ट ही अगर आपको सूट नहीं करता तो इस अवस्था में आप नींबू अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे अवस्था में आप जो मीठा अनार है या फिर आंवले का सेवन आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि आंवले के रस में भी थोड़ी सी मिश्री मिला के आप लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छा यानी आपका खट्टा स्वाद भी आपके शरीर में जाएगा और आपको इसके पूरे फायदे भी मिलेंगे। आयुर्वेद में जब भी औषधि निर्माण किया जाता है यानी औषधियाँ बनाई जाती है तो काफ़ी सारे द्रव्यों के शुद्धिकरण में यानी उसके प्योरिफिकेशन में नींबू का रस इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि शंख है, कपर्दिक है, तो इनकी शुद्धिकरण प्रक्रिया में इसे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि मेडिसिन के प्रिपरेशन में भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरह नींबू का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप आपके खाने पीने में इसको रख के इसे आराम से इसके सारे फायदे ले सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में हमने आपको जो भी जानकारी दी वो आपको मदद ज़रूर करेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।